हम लोगों को बांट रखा है एक तो जातियों के नाम पर, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र, ये दलित, ये आदिवासी, वनवासी, फिर ये हिंदू, ये मुसलमान, अरे सब। मुझे तो लगता है मुझे अभी थोड़ी देर एक कार्यक्रम, जैसे योग का हमने आंदोलन चलाया, ऐसे ही सबका डीएनए टेस्ट करने का आंदोलन चलाना पड़ेगा। हम सब एक ही पूर्वजों की संतान, सब एक ही पूर्वजों की संतान, हम कहां भेदभाव है। हमने कुछ चीजों को देखो, हमको कुछ बहुत गलत पढ़ाया गया है कि हमारे पूर्वज हमेशा लड़ते रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित एक दूसरे का अपमान करते थे, वो क्रोध और प्रतिशोध से भरे हुए, ये सब बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। हमारे शास्त्रों में भी मिलावट की गई और उसके नाम पर हमको बहुत लड़ाया है, बहुत मामला गड़बड़, अपने पूर्वजों को हमने कलंकित किया है उनके ऊपर। माद महाराज जी से बोल रहा था, अभी विस्तार से नहीं बोलूंगा उसके ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर हमने ही ऐसे ऐसी टिप्पणियां करके शास्त्र लिख करके जितने भी कानून में अपराध होते सब अपने महापुरुषों को अपराधी बना के रखा हुआ। कोई दूसरा आदमी आकर के और अनायास भारत में आकर के देखे कि भारत के लोगों ने अपने पूर्वजों के बारे में क्या लिखा है, तो हम अपने ही पूर्वजों को कटघरे में खड़ा करते हैं। हम लोगों को अपनी दृष्टि भी शुद्ध करनी पड़ेगी, अपने शास्त्र भी शुद्ध करने पड़ेंगे और अपने संकल्प शुद्ध करने पड़ेंगे, बुद्ध होना पड़ेगा, प्रबुद्ध होना पड़ेगा कि हम सब एक भारतवासी है, एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक धरती माता की संतान, हम सब एक समान और हम सब महान। ये बात तो हमने जो पिछली बार भी यहां से की थी, कुंभ से भी की थी, इस बात को हमें बहुत प्रामाणिकता से इस देश में आगे बढ़ाना पड़ेगा। जातियों के नाम पर हमको बांटा जा रहा है, मजहब मत पंथ संप्रदायों के नाम पर हमको बांटा जा रहा है, मूल निवासी कौन है इसके नाम पर हमको बांटा जा रहा है, फिर महापुरुषों के नाम पर हमको बांटा जाता है, शास्त्रों के नाम पर हमको बांटा जाता है, शास्त्र एक बार जिसकी व्याख्याओं के नाम पर हमको बांटा जाता है। ऐसे ऐसे करके हम लोग आपस में इतने गुत्थम गुत्था हैं, हम लोगों को समानता, वेद का जो अंतिम सूक्त है, संगच्छध्वम सम्मदध्वम सम्मोहनां सिजानताम, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कह रहा हूं, समान मंत्र समिति समानी समान मंत्र अभी, ये जो पूरा उद्घोष है, समाने वाकुति समान हृदयाने व समान मस्त ओमन यथावस सासति, एक समानता, एकता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ये जो शब्द हैं, और इसमें हमें और ज्यादा अपने बच्चों को आगे संस्कार देने की आवश्यकता है।